मैं आपको अपनी एक मुख्तसर सी जो बातचीत हम करना चाहते हैं कि हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं तो अगर सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? ऑब्वियसली सिक्योर एनवायरनमेंट के बगैर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आप नहीं कर सकते। मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि व्हाट वी आर डूइंग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितना सिक्योर फील करते हैं और हमारी एफर्ट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है हमारे। सबसे पहली बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एज़ पर आर लॉ दीज आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पूरी दुनिया में जो पुलिस का प्राइमरी काम है पीस को मेंटेन करना, और मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा, वी लॉस्ट 1907 पुलिस मैन, 1907 पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिशल्स राइट फ्रॉम द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल टू इंस्पेक्टर जनरल वी लॉस्ट फॉर आर सिक्योरिटी फंक्शंस। तो हमारी तकरीबन 2000 के करीब कुर्बानियां हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। आगे चलें, ये नक्शा आपको ज़रा वाजे करता है कि आफ्टर 25th अमेंडमेंट, 25वीं तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स जो हैं जोग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज, इसकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, इसकी एरिया भी जो है वो इसका बड़ा है। आप अगर देखें तो पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसके दरमियान में एक बफर जोन था और वो फाटा की सूरत में था। अब वो बफर जोन जो है वो दैट्स नो मोर, वी आर पुलिसिंग दैट एरिया एज वेल। हमारे साथ इस वक्त अफगानिस्तान के 7 प्रोविंसेस जो हैं वो हमारे साथ बॉर्डर कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारा जो थ्रेट लेवल है वो आपके सामने है कि जो माजी 25th अमेंडमेंट से पहले हमारा क्या चैलेंज था और अब जो है वो आपको नक्शे से जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें, ये आपको आम आदमी को जो है या जिसका कोई सिक्योरिटी फंक्शन से कोई ताल्लुक ना हो उसको अंदाज़ा नहीं है कि थ्रेट का परसेप्शन क्या है। पिछले साल जो हमें थ्रेट्स आई थी, पिछले साल हमें 2569 थ्रेट्स जो हैं वो मौसूल हुई, इस साल जो है वो हमें 1909 हुई। इसका मैंने जब एवरेज निकाला, एवरेज पिछले साल 7 जो है आपकी 7 थ्रेट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से वी वर रिसीविंग। राइट नाउ हम 11 थ्रेट्स जो हैं वो डेली। अब आपको बताने का इसका फ़ायदा नुकसान क्या है कि पर्सनैलिटी थ्रेट्स क्या हैं और आपके स्पेसिफिक और जनरल थ्रेट्स क्या हैं। आगे चले, इस साल जो हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैंने आपको कहा कि इस साल जो हमारे पास थ्रेट्स आए हैं वो 1909 है। मैं आपको मुख्तसर ये बात बताता चलूं कि इस वक्त सेंट्रल पख्तूनख्वा और नॉर्थ पख्तूनख्वा जो है उसको अगर आप देखें तो NMDs में जो हमारे थ्रेट्स हैं वो 121 है और 98 जो हैं वो साउथ से मुतल्लिक हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन चैलेंज है सिक्योरिटी का दैट इज़ इन सदरन पख्तूनख्वा एंड इन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप फॉर्मर कबायली इलाका आप कहते हैं। आगे चलें, आगे चलें, दिस इज़ आर एफर्ट कि आपको पता लगे कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एफर्ट्स क्या कर रहे हैं। इस साल 6 माह में हमने 860 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं और इसमें हमारे जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं वो 352 हैं और इसमें जो एनकाउंटर्स में जो लोग जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, उनकी तादाद जो है वो 146 के करीब है। और इसमें वो लोग हैं जिनके ऊपर 16 मिलियन रुपीज़ की जो है वो हेड मनी है, जिसके ऊपर होम डिपार्टमेंट के ज़रिए उसको उनको नकद इनाम भी है उनके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए। चाइनीज़ की सिक्योरिटी इज अनदर टास्क, अनदर चैलेंज फॉर द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। टू मीट दिस चैलेंज वी एस्टैब्लिश्ड स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड 5 years अगो। राइट नाउ वी हैव अबाउट 2900 पर्सनल्स एंड आर प्राइमरी मैंडेट इज टू सिक्योर द चाइनीज एंड अदर फॉरनर्स एंड द वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस, दैट्स आर मैंडेट ऑफ SSU। आगे चलें,
दिस इज ये नक्शा आपको जो रेड ब्लिंक कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि सी पैक की जहां जहां पे चाइनीज मौजूद हैं इस वक्त इन प्रोविंस वेयर एवर द चाइनीज एंड द फॉरेनर्स आर अवेलेबल, दैट थ्रेट वो जो उनकी प्रेजेंस है हमारी पुलिस की और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, जिसका मैंने एसएसयू का जिक्र किया, वो इस ब्लिंक लाइट में आपको बड़ा वाजे होगा। आगे चलिए, we classified our projects in four categories, A, B, C and D, jahan pe sabse jo A plus category hai, jahan pe 50 foreigners, where foreigners are 50 or where there is the previous history of attacks or far-flung locations jis tarah Kohistan ki hai aur jahan pe persistent threats ho, that is considered A plus category. Uske liye hamara jo deployment ka formula hai, we are not treating all Chinese like equal उसके ऊपर yard stick के ऊपर नहीं, बल्कि that is as per classification, as per our assessment. What is mode of security? That is both static and movement. हम दोनों static भी देते हैं security और movement के दौरान भी देते हैं, and that requires more coordinated efforts with the other law enforcement agencies. This is our security coverage for the CPAC and the Chinese. Right now in Khyber Pakhtunkhwa we have 32 projects and 5 are CPAC projects and 10 are non-CPAC projects. Right now we have, this is daily fluctuation, we have about 2400 Chinese right now in the province and 110 other Chinese, and we have deployment of SSU about 1900. And this is a multi-layered security that we are providing. Different jo security agencies hain unke sath hamari collaboration hai, and we are providing this security to all the Chinese working over here. This is like we signed about eight contracts with all these, aur isme primarily hai Khyber Pakhtunkhwa mein Haidal net ka aapko pata hai ki bahut bada potential hai, and we are providing security to all these, aapko pata hai ki Pakistan mein it's an energy deficient country and we are trying our level best to provide security to all these, we have formal agreements with them. Aage chale, these are in process, these are about more than 20 contracts are in process at different stages, bureaucratic stages. We are in negotiation with different task stakeholders. So, inshallah, we'll materialize these projects, contracts as well. Aage chale. Ye bhi wahi hai, aapka jo private hai aur CPAC aur non-CPAC. Dams ki security is one of the important tasks that Khyber Pakhtunkhwa police is right now providing that security, and SSU has been tasked. Pehle ye hodgepodge tha, pehle earlier before the establishment of SSU it was the district police responsibility, but after this during last 5 years we developed it as a specialized force, and that is known as special security units. So special security unit is providing security to the dams. Aage chale. Then industrial zones, so again SSU is for this all, as of you are aware, cement, Haidal, oil, gas, ये बड़ी बड़ी industry है, बहुत बड़ा बड़ा जो concern है उसमें हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जहाँ पर हमारे उनके साथ contract होते हैं, collaboration होती है, we provide that security as well. And this is like the normal जो हमारी industrial बस्तियाँ हैं, हमारे हतार में है, स्वाबी में, गदून में है, कोहार्ट में है, डीआई खान में है, मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो प्रोफाइल भी जो है वो मैंने आपके सामने पेश की है. टूरिज्म, अभी ईद का मौका 2 दिन पहले गुजरा है, 3,55,000 टूरिस्ट जो हैं वो हमारे 2 डिविजन्स में सिर्फ आए हैं, 3,55,000, एंड वी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड. और मैंने आपको कहा कि थ्रेट का जो लेवल है वो पिछले साल की निस्बत बड़ा है, पिछले साल एवरेज 7 थ्रेट्स, नाउ वी आर रिसीविंग 11 थ्रेट. जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सर आईजी बैठे हुए, को पता है कि एक थ्रेट अगर आ जाए तो वो उसको न्यूट्रल, एक वाक्य अगर हो जाए तो उसको कितनी प्रोजेक्शन मिलती है, लेकिन एक थ्रेट को
कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी सोसाइटी में जो है वो बातचीत होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या क्या मुहरकात होते हैं, कितनी एफर्ट्स होती हैं, कितने उसके ऊपर एनर्जीज जो हैं वो हमारी लगती है। तो टूरिज्म दिस ईयर वन ऑफ आर प्रायोरिटी इज, हमने इसके लिए स्पेशलाइज यूनिट बनाया टूरिज्म पुलिस के लिए, और वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिस्ट टू खैबर पख्तूनख्वा। आगे चलें, DRC's वन ऑफ द इनिशिएटिव के अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर ठीक नहीं होंगी देन दोज विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज। आगे चले, इफ यू लुक एट दिस, ये अगर आप देखें मॉनेटरी और प्रॉपर्टी और फिर शॉप्स, इन सब को मिला के तकरीबन जो है वो आपके आउट ऑफ 59,000 40,000 प्लस, ये 60% जो है हमने बिजनेस कम्युनिटी को सर्व किया है वन वे ऑफ द अदर। 60% जो हमने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व की हैं वो हमने एक जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके इश्यूज को हमने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में कन्वर्ट होने से बचाया। आगे चले, दिस इज लाइक व्हाट इज आवर प्रोग्रेस, दैट इज अबाउट 80% है वो हमने कॉम्प्रोमाइज जो है और बाकी प्रोसेस में है और या वो कन्वर्ट हो गए अगले किसी प्रोसेस में। We have this Khyber Pakhtunkhwa after Punjab is the second province जहाँ पे security enactments हैं, security के अपने laws हैं, ताकि हम कैसे secure businesses कैसे कर सकते हैं। Secure businesses के लिए Khyber Pakhtunkhwa ने इसको security legislation को उसकी हम implementation करते हैं। So we are very religiously pursuing this जो security का हमारा apparatus है उसको हम functional रखें। This is all what we want. We want a very peaceful environment for investment, economic development and promotion of tourism. And we are striving our level best for a safer Pakhtunkhwa. Thank you very much for your patience.